मेरा हो गया, मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, मेरा हो गया, मेरा भी हो गया। चलो साई, सारे कुल्हड़ में अपने छेद कर दिए, अब बता भी दो इनसे होगा क्या। यहां रख। जा अंदर से पानी ले आ। ऐसा करने से क्या होगा? पानी की बचत। अक्सर लापरवाही से पानी डालकर हम बहुत से पानी की बर्बादी कर देते हैं, लेकिन इस समय पानी की एक एक बूंद कीमती है। जानते हो, जब हम पौधों में जल्दी से पानी डालने की कोशिश करते हैं तो बहुत सा पानी गमले से बाहर निकल जाता है, बर्बाद जाता है वो पानी। या फिर अधिक मात्रा में पानी डाल देने से पानी पौधे की जड़ों के स्तर से नीचे चला जाता है, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन इस विधि से पानी डालकर हम पानी का सदुपयोग कर सकते हैं, पानी के एक एक कतरे का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बूंद बूंद टपक कर पानी पौधों के ऊपर गिरेगा और पौधे के आसपास की मिट्टी में नमी बनी रहेगी। पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा और पानी का एक एक कतरा उपयोग में आएगा। साई, सच में ये तो बहुत अच्छा तरीका है। छोटे पौधे को एक दिन में इससे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब तुम ही लोग सोचो, अगर हम ऐसे ही कुल्हड़ गांव के हर घर में बांट दें और उन्हें इसका उपयोग करना सिखाएं तो हम कितने पानी की बचत कर सकते हैं। हाँ साई, तुम्हारा ये सुझाव बहुत अच्छा है। हाँ साई। साई, मैं ये बात मामी जी को जरूर बताऊंगा, क्योंकि जब से शिरडी में पानी की कमी हुई है तब से मामी जी इस्तेमाल किया हुआ पानी पौधों में डाल देती है। तो फिर देरी किस बात की, लग जाते हैं काम पे। लो, शाबाश। और हाँ, केवल ये कुल्हड़ गांव में बांटने ही नहीं है, सबको ये भी समझाना है कि इन कुल्हड़ों के माध्यम से सिंचाई करके हम पानी कैसे बचा सकते हैं। देखना गोविंदा, सबसे ज्यादा तो मैं ही बांटूंगा। अरे बुद्धू, खाली बांटना नहीं है, बताना भी है सबको। इसे कहा बुद्धू? तुझे। तू बुद्धू? तू बुद्धू, तू ही है। अरे शांत हो जाओ, फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। अब तुम दोनों चलते हैं, फिर एक चुटकुला सुनाओ। भाग गोविंदा। चलते हैं साई। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं
जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा पता नहीं रघु भाऊ कब आएंगे पानी लेकर। चिकरी बस थोड़ी देर और रघु भाऊ पानी लेकर आ रहे ही होंगे। मुझे भी तेरी तरह बहुत भूख लगी है। अब घर में पानी होगा तो ही तो कुछ बनेगा ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने तो सुबह से पानी भी नहीं पिया है। अरे वो आ गए रघु भाऊ पानी लेकर। मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। शांति शांति शांति, सबको पानी मिलेगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताते जाइए किसको कितना चाहिए। मुझे दो मटके। हाँ ठीक है। ये लो 8 पैसे हो गए। आठ पैसे काका, मैंने तो सिर्फ आपको 2 मटके दिए हैं। अरे हाँ मैं बताना भूल ही गया, आज से 1 मटके के 4 पैसे लगेंगे। रोज रोज कहाँ से लाएंगे हम पैसे? ये तो गलत है काका, एक दिन में आपने इतने पैसे बढ़ा दिए। कल हमने आपको पैसे इसके लिए दिए थे क्योंकि आपने कहा था मेहनत की है, इसलिए पैसे ले रहा हूँ। आज आपकी मेहनत दुगनी हो गई। आप तो पानी बेच रहे हैं, हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आप। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिसे जो सोचना है वो सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं पानी बेच रहा हूँ, जिसे लेना है वो ले, नहीं तो जय राम जी की। ये बात करने का ढंग नहीं है काका। आप शायद भूल रहे हमने पानी के लिए पैसों का भुगतान नहीं किया था आपको, बल्कि जब आपने अपनी पत्नी की बीमारी की दुहाई दी तो हम लोगों ने तरस खाकर आपको पैसे दिए। लेकिन लगता है हमारी सहानुभूति को आप अपना अधिकार मान बैठे। सारे के लिए उंगली पकड़ने दी तो आप हमारी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे नहीं है तो भाषण मत दो, मेरे पास तुम्हारे फालतू बात सुनने का समय नहीं है। 4 पैसे है तो पानी ले जाओ, नहीं तो किनारे हटो, बहुत से लोग कतार में खड़े हैं। जाओ, जिन्हें पानी की जरूरत है वो 1 मटके के 4 पैसे देके पानी ले जाए, जिन्हें चाहिए वो आगे आ जाइए। कहीं मेरा दांव उल्टा ना पड़ जाए। मुझे तो पानी चाहिए। आइए आइए ताई। पानी का भाव भले बढ़ा दिया हो पर पानी तो लेना ही पड़ेगा। चिपरी अब हम क्या करें? गांव के कुएं में तो अब सिर्फ नीचे का कीचड़ वाला पानी ही बचा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा चंपा, मेरे पास केवल 4 पैसे और उसमें 1 मटका पानी ही मिलेगा। चिपरी तुम्हारे पास 4 पैसे तो है, अपनी बस्ती वाले तो सिर्फ 2 पैसे लेकर आए हैं, उनका क्या? अभी क्या करना चाहिए चंपा? क्या तुम सिर्फ 2 ही मटका पानी दोगे? नहीं नहीं ताई, आपको जितना चाहिए उतना ले जाइए, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। ये लो 20 पैसे और मुझे 5 मटका पानी देना, बाकी मैं लेके आती हूँ। हाँ हाँ हा। Yeah.
चंपा, कुछ नहीं से तो थोड़ा बेहतर है। जितनी हमारी हैसियत है उसमें संतोष कर लेंगे। चल एक मटका पानी ले लेते हैं, उसमें हम दो परिवार मिलकर बांट लेंगे। काका मुझे एक मटका पानी दे दीजिए आप। माफ करना, पानी खत्म हो गया, अब तो कल ही मिलेगा। बढ़िया आई थी भाषण देने, अब बिना पानी के काम चला। चलो हुर्र हुर्र, चलो चलो हुर्र, ओहा ओहुर, चलो। प्यासे हैं तुम्हारे बैल, थोड़ा सा पानी पिला दोगे तो अभी चलने लगेंगे। तुम तो रोज जाते हो ना झील पर गांव वालों के लिए पानी लाने, क्या वहां जाकर इन्हें पानी नहीं पिलाते? मैं पिलाता हूं या नहीं पिलाता हूं उससे आपको क्या? अभी पिला रहा हूं ना, जाइए अपना रास्ता ना पिए। तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य अब कैसा है? विभूति दी थी उसे? कुछ फर्क नहीं पड़ा उस विभूति से। जैसे ही मैंने पानी का दाम बढ़ा दिया, ये सुनकर बहुत से गांव वाले हक्के बक्के हो गए। कुछ लोग आपस में बहस करने लगे, आपस में लड़ने लगे, और कुछ तो शुरू में पानी खरीदने से इनकार कर रहे थे, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। हरिओम हरिओम, किसी के पास पानी का कोई विकल्प नहीं है। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है, और जहां जीवन का प्रश्न आता है वहां पैसे कौन देखता है। रघो, बारिश आने में अभी देर है, तब तक ये पानी का कारोबार हमारे लिए दिन दुनी रात चौगनी कमाई का कारोबार सिद्ध हो जाएगा, फिर हम पानी का मूल्य और बढ़ाएंगे और लोगों को अपना जीवन बचाने के लिए कोई भी मूल्य देना होगा। हरिओम हरिओम, किसे पता था कुएं का पानी इतना मूल्यवान हो जाएगा? ये कुआं मेरे लिए कुआं नहीं, सोने की खदान बन गया है। नर्मदा बता रही थी कि पानी के बिना गांव वालों का जीना मुश्किल हो रहा है, और सरकार पानी बेच रहे हैं गांव वालों को, वो भी अपने कुएं का पानी जो हमें भगवान ने मुफ्त में दिया है। केशव भी अपने मामा के घर गया है, मैं क्या करूं क्या करूं? हरिओम हरिओम,
जब मुझे ये पता चला कि सरकार ने पानी लाने के लिए एक आदमी की व्यवस्था की है ताकि सबको पानी मिल सके, ये सुनकर मैं बहुत खुश थी कि आपने उन्हें सद्बुद्धि दी। भले ही वो आदमी अपनी मजदूरी के नाम पर लोगों से पैसे ले रहा था तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि कम से कम लोगों को पानी तो मिल रहा है। भगवान, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो पानी झील से नहीं हमारे कुएं से दिया जा रहा है, और वो पैसे कोई और नहीं खुद सरकार वसूल रहे, पानी का कारोबार कर रहे हैं। भगवान, ऐसे पैसों पे हम कैसे जी सकते हैं जिसमें लोगों के आंसू है, दर्द है, पीड़ा है। लेकिन मैं क्या करूं भगवान। साई, मुझे लोगों के लिए चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप शिरडी में हैं मुझे पूरा यकीन है कि आपके होते हुए किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। किसी ने नहीं सोचा था लोगों को ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, पानी भी खरीदना पड़ेगा, खाना तो दूध सुबह से पीने के लिए एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ है। मुझे भी नहीं, साई बहुत प्यास लगी है। हाँ साई, बहुत प्यास लगी है। हाँ साई, हम सबको बहुत प्यास लगी है। तमरेल में भरे पानी की एक एक बूंद आप सबकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त हो। लेकिन साई, इससे सबूरी लक्ष्मी, पियो जितना चाहे उतना पानी पियो। लक्ष्मी,
आश्चर्य साई, चंद घूट पीकर जैसे पूरे दिन की प्यास बुझ गई हो। साई, पात्र तो पूरा भरा हुआ है। मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू। चंपा को दो। अनेक भी तू, जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख चौरासी रे। खंडर में बड़ी भीड़ है, लगता है पाखंडी लोगों को दावत दे रहा है। पात्र का पानी तो कम हुआ ही नहीं। दिया ना, जानबूझ के नहीं गिरा, गलती से गिर गया, माफ कर दीजिए हमें। रुको, ए, रुको! साई, तुमने कहा था तमरेल में भरे पानी की एक एक बूंद लोगों की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा था भी, लेकिन अभी क्या? अभी तो इसमें एक बूंद पानी नहीं बचा है साई। क्या अभी तुम कहीं और से इंतजाम करके हम लोगों को पानी दे सकते हो? नहीं लक्ष्मी, अब आप लोगों को अपने लिए पानी का इंतजाम खुद ही करना होगा। लेकिन कैसे साई, रघु ने तो पानी को अपना कारोबार बना लिया। हालात का फायदा उठाकर अगर वो रोज पानी के दाम बढ़ाएगा तो हम कहां से ले पाएंगे पानी? हम गरीबों की इतनी औकात नहीं कि पानी खरीद कर पिए।
दो पैसे में ही हमारी कमर टूट गई थी और आज तो उसने चार पैसे कर दिए। कोई भी आपका शोषण तभी कर सकता है जब आप उसे अपना शोषण करने का मौका दें। इसलिए आज कुछ लोगों ने पानी खरीदा और कुछ ने नहीं। लालच एक ऐसा जाल है, एक ऐसी बला है जिसमें इंसान दिन पर दिन फंसता जाता है। हो सकता है कल रघु पानी का दाम और बढ़ा दे, तो कल जिन लोगों ने पानी खरीदा था, आज जिन लोगों ने पानी खरीदा है, वो कल पानी नहीं खरीद पाएंगे। फिर दाम और बढ़ा दिए जाएंगे और उसके बाद बाकी लोग पानी नहीं खरीद पाएंगे और ऐसे ही दाम धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। तब तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा साई, या फिर हमें मजबूरन शिरडी से पलायन करना होगा। साई कोई तो विकल्प होगा जिससे हमारी समस्या हल हो जाए। हाँ साई, विकल्प था और आप में से अधिकतर लोगों ने उसे स्वीकार भी कर लिया था, पर तभी कुलकर्णी सरकार ने सबके लिए पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया और आप सब ने अपनी सुविधा को देखते हुए उसे मान लिया। याद है उस दिन बायजा मां ने कहा था कि सभी लोग गांव के बाहर जो झील है वहां से पानी भरकर लाएंगे। साई, हम लोग सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त थे कि समय ही नहीं निकाल पाए। इतना व्यस्त कोई भी नहीं होता है। ये सब समय निकालने की और प्राथमिकता की बात है बस। लेकिन घर की स्त्री अगर कोशिश करती तो पानी ला सकती थी साई। क्या घर की जिम्मेदारी संभालना, घर का काम करना केवल स्त्रियों की जिम्मेदारी है? बताइए, और आज जो हालात हैं उसमें स्त्रियां घर संभाले या फिर आपके लिए गांव से बाहर जाकर पानी भर के लाएं? अगर आप लोग अपनी पत्नियों के साथ जाएंगे तो आप एक बार में ज्यादा पानी ला सकते हैं और उन्हें भी थोड़ा आराम और घर के कुछ काम करने का समय मिल जाएगा। साई बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम में से अब किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि पानी खरीद कर इस्तेमाल कर सके, इसलिए झील जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा गांव उठकर पानी लेने चला जाए। आप लोग चाहें तो आपस में पाली बांध लें, चार चार पांच पांच लोगों के कुछ समूह बना लें। एक दिन एक समूह पानी लेने चला जाए, वही पूरे गांव के लिए पानी भर के लाएगा, और अगले दिन दूसरा समूह चला जाए। ऐसे करके सभी को पानी मिल जाएगा और वो भी बिना कोई मूल्य चुकाए। कल सुबह आप में से कुछ लोग यहां द्वारका माई आ जाइएगा और उसके बाद यहीं से इकट्ठा होकर गांव के बाहर झील से पानी लेने जाइएगा और हो सकता है कि आप लोगों को अपनी यात्रा के दौरान कुछ नया देखने को मिल जाए। चलते हैं साई। साई राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अरे चुप हो जाओ, अभी क्यों खास रही हो? सो जाओ, अभी रात है।
सपने भी बिना है। क्या हुआ मेघा? सच में खांसी उठी है तुम्हें? माँ ठीक तो है ना? बेटा पानी देना। मेरा कैसी है तबीयत? ये लो। जी पता नहीं पर खांसी रुक नहीं रही। मुझे लगता है कि मुझे सच में कुछ हो गया है। बहुत बेचैनी से हो रही है। तुम्हारा माथा तो बहुत गर्म है, लगता है तुम्हें बहुत बुखार है। शायद बुखार के वजह से हो, पर कल तक ठीक हो जाऊंगी। अब आप दोनों जाके सो जाइए। आपको शिरडी भी तो जाना है। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? इस हालत में तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा मैं? नहीं नहीं आपको जाना ही होगा। मुझे बताकर आप खुद भूल गए ना कि कुलकर्णी सरकार का गुस्सा कितना खतरनाक है। अगर नहीं गए तो पता है ना कि अंजाम क्या होगा। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हारी बात ठीक है लेकिन इस हालत में मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं अकेला ही जाता हूँ। आनंद बेटा कल आई का ख्याल रखना, तुम सो जाओ आराम कर लो। बेटा जा सो जा सो जा सो जा। साई, पानी भरने के लिए संयोग से हमें बड़े बड़े बर्तन मिले हैं। अच्छा साई अब हम चलते हैं। अच्छा सुनो एक काम करना, जाते समय उत्तर वाले रास्ते से जाना। वो रास्ता तो लंबा पड़ेगा, पश्चिम वाले रास्ते से गए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर से पहुंचेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अगर साई ने हमें उत्तर वाले रास्ते से जाने के लिए कहा है तो हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए। ये तुमने सही कहा अब्दुल, सुदामा जी को भी साई ने सचेत किया था कि वो टहलने ना जाए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और बाघ ने उन पर हमला कर दिया। साई की बात ना सुनने की गलती हम नहीं कर सकते। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई ओम। सूर्योदय किसी भी वक्त हो सकता है। आज देर हुई आने में, सरकार ने कहा था अंधेरे में ही काम हो जाना चाहिए वरना कोई देख लेगा।
ये कैसी रोशनी थी? कहां से आई थी? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकता, मुझे पानी लाने जाना होगा। क्या हुआ विभा? अब्दुल, मैंने यहां बैलगाड़ी में रघु को जाते देखा। रघु इस वक्त यहां? मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इस वक्त तो शायद वो भी झील की तरफ पानी भरने ही जा रहा होगा। नहीं अब्दुल, मेरी आंखें उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती, वो रघु ही था। लेकिन वो तो पानी भर के दोपहर या उससे पहले शिरडी आता है, फिर अभी कैसे जा सकता है वो? तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि वो रघु ही था। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। वो पागल हो गए हो क्या? एक तो हमें झील तक जाना है, दूसरे साई के कहने पर हम सबसे लंबे रास्ते से जा रहे हैं, अगर उसका पीछा किया तो फिर हम पानी कब लेके जाएंगे? साई ने कहा था कि उत्तर के रास्ते से जाना, साई बिना कारण कुछ नहीं कहते। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि भीवा का शक सही है, इसलिए हम में से कुछ लोगों को झील की तरफ जाना चाहिए और कुछ को रघु के पीछे। चलो देर क्यों लगी तुम्हें आने में? सुबह से उठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ऊपर से तुम समय पे भी नहीं आते हो। ये रघु यहाँ कुलकर्णीवाड़ा में क्या कर रहा है? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी पानी भरो इससे पहले कि सूरज उग जाए और शिरडीवासी जाग जाए, जल्दी करो। इसका मतलब ये है कि जो चिंता सरकार ने पानी की समस्या को लेकर जताई थी वो सब ढोंग है। मुझे तो पहले से ही शक था कुलकर्णी सरकार की मदद पर, उनकी नीयत पर। मैं बरसों उनका दास रहा हूं, उनकी नस नस से वाकिफ हूं। मैं एक बार ये विश्वास कर लूं कि सूरज पश्चिम से उठ सकता है लेकिन कुलकर्णी सरकार दूसरों के हित के बारे में सोचे, यह असंभव है। और आज उनका सच सामने आ ही गया। इतने दिनों तक वो हमें बेवकूफ बनाते रहे। साई, वो रघु उनका ही आदमी है जो यहां सूर्योदय से पहले आता था और उनके कुएं से पानी लेकर वापस चला जाता था ताकि उसे कोई देख ना सके, और फिर दिन निकलने पर दोबारा गांव में आता और हमें पानी बेचता था। और मुझे पक्का यकीन है रघु ने जो हमसे पैसे लिए थे वो सारे के सारे पैसे कुलकर्णी सरकार ने उससे वापस ले लिए होंगे। सरकार पहले भी दुष्ट थे और आज भी है, कोई बदलाव नहीं आया उनमें। ये झूठ है। गोविंदा, सब सुना मैंने, मेरे मामा जी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप सब? एक तो उन्होंने आप सबकी मदद की और आप लोगों की उन्हें ही बुरा कह रहे हैं। आप सब बुरे हैं, आप सब बहुत बुरे हैं। गोविंदा मेरी बात सुनो। नहीं सुनना है मुझे कुछ भी साई। आप तो इन लोगों को समझा सकते हैं ना कि ये लोग गलत सोच रहे हैं। गोविंदा मेरी बात, गोविंदा, गोविंदा मेरी बात सुनो। उसे जाने दीजिए साई, उसकी कोई गलती नहीं है। साई, सरकार का वास्तविक रूप अभी उसने देखा नहीं, इसलिए तिलमिला उड़ा। जब हमें पता चलता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य बुरा है तो यह सच्चाई स्वीकार करना हम बड़ों के लिए बहुत कठिन होता है साई। फिर गोविंदा तो अभी बच्चा है, जब सरकार हम बड़ों को बेवकूफ बना सकते हैं
तो उस छोटे से गोविंदा की बिसा थी क्या है? इससे पहले कि राघव गांव वालों को पानी बेच दे, आप लोग जो पानी लाए हैं वो गांव वालों में बांट दीजिए। जी सही, चलते सही। राम जी भला करे। कोई नहीं है? कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गया? पानी आ गया है, पानी जिसको लेना है वो ले ले। एक मटके के चार पैसे, पानी ले लो। जो चार पैसे नहीं दे सकते वो कृपा करके यहाँ ना आए, मेरे साथ बहस ना करे। मेरे पास बेकार बातों के लिए समय नहीं है। वैसे भी मेरी बीवी घर पर बीमार है, मुझे जल्दी से घर लौट जाना है। जिन्हें पानी लेना है वो जल्दी से आए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। सुनो बाबू, पानी ले लो। ताई पानी ले लो। ये अजूबा क्या है? आज कोई भी पानी खरीदने क्यों नहीं आ रहा है? अब्दुल, भीवा भाई, चंदू भाई और उनके साथ गए गांव वालों का जितना शुक्रिया किया जाए ना उतना कम है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से शिरडी के हर घर में पानी पहुंचा है। हाँ वहनी, अभी सरकार से पानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा आपने, सरकार से मदद मांगी थी तो मदद के नाम पर हमें धोखा ही मिला। लेकिन साई के मार्गदर्शन से ये तो सुनिश्चित हो गया कि सरकार के कुएं का पानी हमें खरीदना है या नहीं खरीदना, ये हमारे हाथों में है। सब उल्टा हो रहा है आज। घर से ये सोच के निकला था कि मेघा अस्वस्थ है तो मैं जल्दी घर लौट जाऊंगा, यहां पानी खरीदना तो दूर, कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। आखिर चक्कर क्या है? अंता जी, वो रघु इस पाखंडी के साथ कैसे बात कर रहा था? हाँ। ऐसा लगता है दोनों में अच्छी सी जान पहचान है। हाँ। चलिए अंता जी, सरकार को बताना होगा। चलिए।
झूठ बोल रहा है तू? सच कह रहा हूं सरकार, गांव वालों ने पानी खरीदने से इनकार कर दिया है। कुलकर्णी सरकार हूं मैं। कौन? कुलकर्णी सरकार। शिरडी में पत्ता भी हिलता है तो मुझे ज्ञात हो जाता है। तूने क्या सोचा? तू उस पाखंडी के साथ हाथ मिलाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? ये आप क्या कह रहे सरकार? मैं क्यों उसके साथ हाथ मिलाऊंगा? मुझे वो साई तो फूटी आंख नहीं सुहाता। मैंने उससे बात नहीं की है सरकार। चुप! तू उस पाखंडी के साथ बात नहीं कर रहा था तो क्या तेरा भूत बात कर रहा था? हाँ सरकार, हमने अपनी आंखों से देखा था, ये वो पाखंडी का हाथ पकड़ के कुछ कह रहा था। नहीं नहीं नहीं, उस समय मैं बात नहीं कर रहा था, वो तो बस बस तुमने स्वीकार कर लिया है। अब कोई कहानी गढ़ के सुनाने की आवश्यकता नहीं है। साठ गांठ कर ली है तूने उस पाखंडी से, मिला हुआ है तू उससे। जा यहां से, दोबारा मेरे द्योधे पे कदम मत रखना। अगर दिखाई दिया तो अपने पैरों पे वापस चल के नहीं जाएगा, समझा? और सुन, बाहर जाके किसी को बताने का प्रयास किया कि तू कुलकर्णी सरकार के कुएं से पानी लेता था और कुलकर्णी सरकार उसके पैसे लेते थे, तो जहां खड़ा है वही गाड़ दूंगा और वो भी जीवित। जो चिंता सरकार ने पानी की समस्या को लेकर जताई थी वो सब ढोंग है। मुझे पक्का यकीन, रघु ने जो हमसे पैसे लिए थे वो सारे के सारे पैसे कुलकर्णी सरकार ने उससे वापस ले लिए होंगे। मतलब भीवा काका, अब्दुल भैया जो बोल रहे थे वो सब सच था। ठीक है सरकार, ना मैं यहां आऊंगा ना मैं किसी को कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मेरा मेहनताना तो दे दीजिए जो तय हुआ था। मेहनता? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। अच्छा किया जो याद दिला दिया तुमने। अंता जी सरकार। ये गलत है सरकार, बहुत मेहनत की है मैंने, मैं अपने मेहनत के पैसे मांग रहा हूं। आपने खुद कहा था कि बाद में दे दूंगा। ये भली बात हो गई भाई, कुआं मेरा, कुएं का पानी मेरा, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा था वो भी तू ढंग से नहीं कर पाया और तू काहे के पैसे मांग रहा है? चल जा यहां से। ये अन्याय है सरकार, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, आपको अपनी बात का मान रखना चाहिए। मान सम्मान की बात सिखाएगा तू मुझे? मेरा समय व्यर्थ न कर, जाया से। आपने गलत किया है मेरे साथ, आप गलत आदमी हो, इसलिए शिरडी के लोग आपकी रत्ती पर भी इज्जत नहीं करते। चुप! मुझे गलत कहा तुमने? अंता पंता, इसे ऐसा सीधा करना जीवन भर ये भूल न पाए। गलत कर रहा हूं सरकार, गलत कर रहा हूं सरकार, गलत कर रहा हूं सरकार। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ गोविंदा? वो लोग मार डालेंगे रघु काका को, वो लोग मार डालेंगे रघु काका को, अंडा पंता जी मार डालेंगे रघु काका को। मामे जी कुछ कीजिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। केशव जब किसी को प्रताड़ित या फिर ऐसे ही मार खाते हुए देखता था तो वो भी सहम जाता था। ही खंडोबा जी, जैसा केशव के साथ हुआ वैसा गोविंदा के साथ ना हो, इसकी मदद कीजिए। समझ में नहीं आता कि इस प्याऊ में तुम पानी क्यों रख रही हो, क्या जरूरत है इसकी?
जरूरत है। परी जो कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और तारीफ़े काबिल भी। जानते हो तुम, जब कभी किसी चीज की बहुत कमी हो जाती है या मांग बहुत बढ़ जाती है तो अक्सर लोग स्वार्थी हो जाते हैं। जैसे इस जल संकट में लोग अपनी आवश्यकता से अधिक पानी ले रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो बहुत से लोग प्यासे रह जाएंगे। हमारी परी ऐसे समय में भी इन बेजुबान पंछियों के लिए पानी रख रही है, जो ये दिखाता है कि वो स्वार्थी नहीं है, सबके लिए सोचती है वो। और हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। साई, पक्षी तो झील जाकर पानी पी सकते हैं ना, के तो पंख होते हैं। ये उड़ के गए, वो आए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पंछियों के लिए झील तक जाना और वहां से पानी पीकर आना बहुत आसान काम है। ये उड़कर गए और वो आए। लेकिन कभी सोचा है एक नन्ही चिड़िया के लिए अपने बच्चों को पानी पिलाना, अपनी नन्ही सी चोंच में उनके लिए पानी भर कर लाना कितना मुश्किल भरा हो सकता है? वो बच्चे तो नहीं उड़ सकते। वो देखो, सोच के देखो, जब हम इंसानों के लिए बिना पानी के रहना इतना मुश्किल भरा हो सकता है तो इन बेजुबान पंछियों के लिए यह काम कितना कठिन है। और आश्चर्य की बात यह है कि किसी को आवश्यकता से अधिक पानी मिल रहा है तो कोई बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। और जरूरत इस बात को समझने की है कि ऐसे कठिनाई के क्षण में, ऐसे मुसीबत के समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और अगर हम खुद को इंसान समझते हैं तो ऐसे कठिन समय में हमें इंसानियत का परिचय भी देना चाहिए। Ah!
बस बस बहुत हुआ। क्या लगता है आपको कि हर समस्या का समाधान आप कर सकते हैं? लेकिन तब क्या, जब समस्या का कारण आप हो। ये जो मेरी हालत हुई है ना, वो आपके कारण हुई है, क्योंकि आपके साथ देखा गया था मुझे। और मुझे पता है आपने जानबूझ के वैसा किया होगा। आपका सारा खेल पता चल गया है मुझे। पहले तो लोगों को मुसीबत में फंसा कर जख्म देते और फिर उस पर मलहम लगाते हैं, और फिर ऐसे दिखाते हैं कि आपने उसे बचाया। और अगर आपको मेरी मदद ही करनी है तो बस इतना उपकार करिए, जाके अपना काम करिए और मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। जाइए। रहने दीजिए। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बैठो। क्या बात है मुझे बताओ, बोलो। साई, मुझे लगा था कि मामा जी गांव वालों की मदद कर रहे, लेकिन मैं गलत था और गांव वाले सही थे। मामा जी और रघु का दोनों मिले हुए। अब तो निश्चित है कि परी और रुद्र मुझसे कट्टी कर लेंगे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मेरे मामा जी शिरडी वालों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जब उनको सच्चाई का पता चलेगा तो वो मुझसे पहले की तरह कट्टी कर लेंगे, बात करना बंद कर देंगे मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होगा गोविंदा, उस दिन तुम्हारे सामने ही तो समझाया था उन्हें, और वो लोग भी समझदार हैं। किसी और की गलती के लिए तुम्हें दोष नहीं दे सकते, वो तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। चलो जल्दी से रोना बंद करो और मुस्कुराओ। तुम ही तो हमारे गोविंदा हो, हमारे कृष्णा, हमारे बाल गोपाल। तुम हंसते मुस्कुराते शैतानी करते अच्छे लगते हो, ये रोनी सूरत अच्छी नहीं लगती। चलो अब मुस्कुरा दो, हंसो हंसो। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो जाओ, अब अपने घर जाओ, तुम्हारे मामा जी तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। जाओ। जी साईं। और हाँ जी साई, अपनी मामी रुक्मिणी से भगवान कृष्ण की कहानियां जरूर सुनना, अच्छा लगेगा तुम्हें। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई। बाबा,
पापा पापा कहाँ रह गए थे आप? आई की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ उसे? जल्दी चलिए। मेघा, मेघा, मेघा क्या हुआ? मेघा, मेघा, आई क्या हो गया तुम्हें? मेघा हे खंडोबा, इसका शरीर तो बुखार से तप रहा है। मैं तुम्हें यहां छोड़कर गया था ताकि आई का ख्याल रखो। अगर आई की इतनी तबीयत बिगड़ गई थी तो इसे वैद्य के पास लेकर क्यों नहीं गए? नहीं बाबा, आई की हालत बहुत खराब थी, बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं थी उनमें, इसलिए मैंने वैद्य को ही घर पर बुला लिया। उन्होंने दवाई भी दी लेकिन आई की हालत में कोई फर्क नहीं आया। बेगा, बेगा उठो बेगा। सपूरी रघु सपूरी, ऐसे हार नहीं मान सकते तुम। मेघा, मेघा आंखें खोलो ना मेघा। बाबा, आई को क्या हो गया है? आई बेहोशी में है बेटा। मेघा उठो ना मेघा, मेघा। आई, आई उठो ना। मेघा, मेघा उठो ना। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ, बाबा साई ओ, साई वो क्या? साई ओ साई ओ, उठो ना आई। ये तो साई की दी हुई विभूति है। ये लीजिए, इसे अपनी पत्नी को दे देना, और जब वो बेहतर महसूस करे तो उसे लेकर यहां जरूर आना। बाबा, क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी कीजिए ना, वैद्य जी की कोई भी दवाई काम नहीं की, शायद शायद ये असर कर जाए। जल्दी कीजिए ना बाबा। मेघा, मेघा, मेघा आई मुकुल आई। मेघा उठो, मेघा उठो ना आई। मेघा उठो ना आई, उठो ना। मेघा उठो, उठो मेघा।